तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी की हिस्ट्री क्या है इंडिया में, जीएसटी को कितने साल लगे इंडिया में इंप्लीमेंट होने के लिए, ये सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो जीएसटी का रोड मैप शुरू हुआ था सन 2000 में, जब तब के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कमेटी बनाई जिसकी जिम्मेदारी थी ड्राफ्ट जीएसटी लॉ बनाना। उसके बाद 2004 में जो टास्क फोर्स पहले बनाई गई थी उसने कंक्लूड किया कि अगर जीएसटी इंडिया में आता है तो इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और 2006 में तब के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने प्रपोज किया कि हम 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी इंप्लीमेंट कर देंगे, जो बाद में नहीं हो पाया। 2007 में क्या किया गया, जीएसटी की तैयारियां शुरू हो गई। उसमें सबसे पहला स्टेप था कि सीएसटी के रेट घटाए गए, सीएसटी के रेट यानी सेंट्रल सेल टैक्स के रेट 4% से 3% कर दिए गए। 2008 में जो एम्पावर्ड कमेटी थी जीएसटी की, उसने डिसाइड किया कि इंडिया में डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर लगेगा। डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्टेट जीएसटी अलग होगा और सेंट्रल जीएसटी अलग होगा। कुछ कंट्रीज में एक ही जीएसटी लो होता है, बट इंडिया क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है। इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है तो इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अलग रिवेन्यू शेयरिंग होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग रिवेन्यू शेयरिंग होगी, तो इसलिए यहाँ पे डुअल जीएसटी की जरूरत पड़ती है। 2010 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ जो इसमें था कंप्यूटराइज टैक्स स्ट्रक्चर को बनाना, जिसका आज की डेट में नाम है जीएसटीएन। जीएसटी तो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, बट जीएसटी को कंप्यूटराइज करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि कुछ चीजें जिन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है और कुछ चीजें ऐसी थी जिन पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है। तो देयर लाइक सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स नहीं लगा सकती। तो जीएसटी क्या, जीएसटी तो सब चीजों पे एक ही टैक्स था, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा ताकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों सारे के सारे टैक्स लगा सके। 2011 में जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी उसने डिस्कशन शुरू कर दी जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन पे, और 2013 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट टेबल कर दी जीएसटी के ऊपर। 2014 में जीएसटी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में। उसके बाद 2015 में जीएसटी लोकसभा में तो पास हो गया पर राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। 2016 में जीएसटीएन लॉन्च हो गया, यानी जीएसटी का जो नेटवर्क था, जो कंप्यूटराइज प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2010 में, जो 2016 में कंप्लीट हुआ और उसको लाइव कर दिया गया। अगर आपने भी देखना है उनका नेटवर्क तो gstn.org पे विजिट कीजिए। उसके बाद 2016 में अमेंडेड जीएसटी मॉडल लॉ को दोनों हाउसेस से परमिशन मिली। और 2017 जो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर था जीएसटी के लिए, उसमें क्या हुआ, जो चारों के चारों जीएसटी बिल थे वो लोकसभा में पास हो गए। चारों के चारों जीएसटी बिल मतलब आपका सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी, चारों के चारों बिल पास हो गए। और उसके तुरंत बाद उसको राज्यसभा से भी परमिशन मिल गई। और अब क्या स्टेज है, अब 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंडिया में लागू होने वाला है। तो ये थी जीएसटी की पूरी हिस्ट्री। अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो जरूर कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वैसी वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।